मित्रों, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन आपके सामने है। धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष, उपाय, राशि, नक्षत्र, ग्रह सबके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हमारा चैनल ज्योति सेवा वृंदावन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योति सेवा वृंदावन के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय कन्या राशि, फरवरी 2023 कैसा जाने वाला कन्या राशि वालों का, इसी के बारे में आज आपसे बात करते हैं। 17 जनवरी 2023 शनि महाराज ने स्थान परिवर्तन किया, मकर राशि से दूसरे चरण की साढ़े शादी खत्म होके तीसरा चरण शुरू हुआ, कुंभ राशि पे पहला चरण समाप्त होकर दूसरा चरण शुरू हो गया और मीन राशि पे साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो गया। इधर धनु राशि से साढ़े साथी बिल्कुल समाप्त हो गई। तुला राशि पे ढैया थी शनि की, समाप्त हो गई। मिथुन राशि पे ढैया का प्रभाव था, समाप्त हो गया। अब कर्क राशि पर 17 जनवरी से शनि का प्रथम चरण की ढैया शुरू हो चुकी है और वृश्चिक राशि पे भी 2.5 साल के लिए ढैया शुरू हो चुका है। तुला और मिथुन ढैया समाप्त और कर्क और वृश्चिक राशि पे ढैया शुरू हो गया। बात करते हैं आज कन्या राशि की कि फरवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, कन्या राशि का मैंने आपको 1 फरवरी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। इसमें दूसरे भाव में मैं आपको गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ, राशि का प्रभाव बता रहा हूँ, ये लग्न के हिसाब से नहीं है। जो भी देखना चाहते हैं भाई, वो उसको अपने राशि के हिसाब से देखें। दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ है कन्या राशि से, चौथे भाव में बुध महाराज बैठे हैं, पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, छठे घर में शनि और शुक्र बैठे हैं, सप्तम भाव में गुरु बैठा है, अष्टम भाव में राहु बैठा है, मंगल बैठा है नवम भाव में भाग्य में और दसम भाव में चंद्रमा है। 1 फरवरी की ये दोपहर की 2 से 2:30 बजे के करीब आसपास का आपको मन गोचर दिखाया है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, इनका ये महीना कैसे जाने वाला है। देखिए, कन्या राशि के पीछे काफी समय से समय खराब था। 2020, 2021, 2022 दो तीन साल कन्या राशि के खराब गए क्योंकि साढ़े शादी का प्रभाव था मकर राशि के ऊपर पंचम भाव से। तो पंचम भाव, छठा भाव, चौथा भाव, तीनों भाव ग्रसित थे और उसके बाद फिर जो इसका प्रोफेशनल काम था, कर्म क्षेत्र था कन्या राशि का, वहाँ भी इसका प्रभाव था साढ़े साथी का। और जो धन भाव था, धन भाव पर भी साढ़े साथी ढैया चल रही थी शनि महाराज। तो कुल मिला के कन्या राशि वाले भी पिछले करीब 2-3 साल से परेशान थे, हर तरीके से परेशान थे। लेकिन इनका 17 जनवरी के बाद में इनकी परेशानी का जो हल है वो अब निकल आया है और इनकी परेशानी धीरे धीरे करके अब दूर होती चली जाएगी। कुछ प्रभाव इनको जनवरी के महीने में अच्छा मिला और कुछ प्रभाव इनको फरवरी के महीने में अच्छा मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम धन भाव की बात करते हैं। धन भाव के अंदर केतु बैठा है, पाप ग्रह ठीक नहीं होता। तो धन भाव हमारी वाणी का है, परिवार का, कुटुंब का भाव है। तो यहां पर केतु बिना सिर का देवता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये चुगलखोर है। तो ये थोड़ी चुगली लगा करके परिवार में कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा करेगा। ध्यान रखना इस चीज का, कन्या राशि वालों, आपके परिवार में कुटुंब के अंदर चुगली लगा के इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट पैदा करेगा। तो आपको इन सब डिस्प्यूट से बच के रहना है। बुध महाराज बैठे हैं जो स्वयं कन्या राशि के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में बुध बहुत शुभ होता है, अच्छा प्रभाव देता है। चतुर्थ भाव का कारक भी है। तो चतुर्थ भाव से जो सुख संबंधी हम विचार करते हैं उसमें बुध सबसे ज्यादा बढ़िया प्रभाव देने वाला ग्रह है। चंद्रमा बढ़िया प्रभाव देता है चतुर्थ भाव में, बुध बढ़िया प्रभाव देता है, शुक्र बढ़िया प्रभाव देता है और बृहस्पति का तो कहना ही क्या है। तो जो सौम्य ग्रह होते हैं सारे चतुर्थ भाव में बैठ के अच्छा प्रभाव देते हैं।
तो यहाँ जो बुध बैठा है ये बुध चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी सुख हैं, जमीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, माता का, वाहन का, घर का, सारे सुखों में और उसका जो भागीदारी बुध की बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत वाली आपके सामने बात नहीं आएगी और बिल्कुल भी आप निराश ना हो। जमीन जायदाद का सौदा करें, उसमें निवेश करें पैसा, जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उसमें बेनिफिट अवश्य मिलने वाला। तो चतुर्थ भाव का सुख बुध आपको देने के लिए तैयार बैठा है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम भाव में सूर्य का गोचर ठीक नहीं होता है, लेकिन कालचक्र कुंडली में पंचम भाव में सूर्य मालिक बनता है। अगर हम कुंडली के हिसाब से देख के चलते हैं, कालचक्र की कुंडली के हिसाब से, तो सूर्य यहाँ बैठ के बढ़िया फल देगा। किनको देगा? संतान को देगा, बच्चों को देगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनको फल देगा बढ़िया। लेकिन अगर गोचर में सूर्य का प्रभाव देखा जाता है तो जहाँ बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं देता है सूर्य यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये बच्चों की जो एकाग्रता है उसको कम करेगा। पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे कहीं कंपटीशन में बैठना चाहते हैं उनको राहत तो देगा, उनको कामयाब भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी सी ये एक तरह से कुछ परेशानी सी जरूर देगा यहाँ बैठ के। अगला भाव है छठा भाव। छठा भाव होता है हमारे रोग का, दुश्मनों का और हमारे कर्जे का। इन तीनों चीजों से राहत देने के लिए शनि महाराज खुद यहाँ बैठा हुआ है। तो शनि छठे भाव का कारक होता है, साथ में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र भी कारक होता है। हालांकि शुक्र छठे भाव में थोड़ा ठीक नहीं होता है, लेकिन शनि के साथ बैठ के योग कारक प्रभाव बनाएगा, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा योग कारक होता है। लग्न के लिए भी योग कारक है, राशि के लिए भी योग कारक है, और जो कन्या लग्न होती है उसके लिए भी योग कारक है, और इस भाव के लिए भी शनि बहुत योग कारक ग्रह होता है छठे भाव के लिए। तो यहाँ बैठ करके शुक्र और शनि एक अच्छा राजयोग बनाएंगे इसके लिए, जिसको हम विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं। ये राजयोग बहुत बढ़िया बनने वाला है, क्योंकि शनि छठे भाव का स्वामी है, तो ये एक विपरीत राजयोग इसको हम कह सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया विपरीत राजयोग यहाँ बनने वाला है शुक्र के और शनि के द्वारा। विपरीत राजयोग हमेशा पाप प्रभाव जिन ग्रहों पर होता है, छठवां, आठवां, बारहवां, इनमें बनता है, और जो राजयोग है वो केंद्र में बनेगा या त्रिकोण के अंदर बनता है। तो शनि महाराज यहाँ सुग्रही हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, बलि है अपनी राशि के अंदर, सुग्रही बैठा ग्रह बलि हो तो ऐसे में ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि और शुक्र का एक तरह से विपरीत राजयोग हम इसको कह सकते हैं। सप्तम भाव में गुरु महाराज बैठे हैं, जो कन्या राशि के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, भाव को बलि बनाते हैं, शुभ बनाते हैं। सप्तम भाव को शुभ बना दिया उन्होंने, और जो राशि है कन्या इसको भी उन्होंने शुभ बना दिया। तो जिन बच्चों के ब्याह शादी में पीछे अड़चन थी, नहीं हो पा रही थी, बात नहीं बन रही थी, इस महीने उनकी बात संभव है, और ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा मंगलमय उनके लिए जाने वाला है। मंगल कामना के साथ कन्या राशि वाले इस महीने बहुत अच्छा इनके लिए रेस्पॉन्स बृहस्पति देने वाले हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं, राहु बैठा है, और राहु अष्टम भाव में ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ राहु बैठ करके कन्या राशि वालों को थोड़ी सी दिमागी परेशानी जरूर देगा, हो सकता है कि उनको छोटा मोटा को रोग भी दे दे, लेकिन राहु देगा जरूर कोई उनको परेशानी। कन्या राशि वालों को इस महीने में शारीरिक उनको हेल्थ का इशू जरूर उनके सामने आएगा। मंगल की बात करते हैं, मंगल देवता भाग्य में बैठे हुए हैं, और ये अष्टम भाव के स्वामी बन के बैठे हैं भाग्य के अंदर, और तीसरे घर के स्वामी बन के बैठे हुए हैं। अब अष्टम भाव के स्वामी बन के बैठने का मतलब तो भाग्य को कमजोर करेंगे, लेकिन तीसरे घर का स्वामी है, ये पराक्रम भाव का स्वामी है, तो पराक्रम मेहनत के द्वारा जो कन्या राशि वाले हैं उनके भाग्य में ये फायदा देंगे। कन्या राशि वाला अगर मेहनत करता है तो भाग्य उसका साथ देगा, सपोर्ट करेगा, उसके साथ मंगल भी उसकी सपोर्ट करेगा। दसम भाव में चंद्रमा बैठा है, जो लाभ भाव का मालिक है। अब लाभ का मालिक दसम में बैठेगा, दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, और शनि महाराज बड़े अच्छे प्रभाव में है, तो शनि कर्म को बढ़ाएंगे, कर्म बढ़ेगा तो
पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं कर्म क्षेत्र में बैठ करके, और शनि महाराज इनको काम देने वाले हैं। तो शनि ने कर्म की जो गति है उसको बढ़ा दी है, काम करने की जो गति स्पीड बढ़ गई है, काम देने की गति बढ़ गई है शनि की। तो शनि ने सबको काम देना है, शनि का स्पीड ओपन हो गया बिल्कुल, अब बढ़िया स्पीड पर ये सबके कर्म क्षेत्र को खोल रहे हैं। जिनका प्रोफेशन है, जॉब करते हैं या कोई अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो तरक्की मिलेगी और बिजनेस करते हैं तो तरक्की मिलेगी। तो कुल मिला के कन्या राशि वालों का फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और इनको किसी तरह की कोई परेशानी इस महीने में बिल्कुल भी नहीं आनी है। थोड़ा इनका हेल्थ का इशू रह सकता है, तो इनको थोड़ी हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ का इशू देने वाला मंगल है। थोड़ी इनको हनुमान जी की सेवा करेंगे तो इनके परिवार में, कुटुंब में, मैंने आपको बताया था ना केतु बैठा हुआ है तो विवाद को पैदा कर सकता है, तो केतु का प्रभाव मंगल जैसा होता है, अगर ये मंगल की सेवा करेंगे तो केतु भी शांत रहेगा और मंगल भी शांत रहेगा, रोग भी नहीं देगा और परिवार में किसी तरह की इनके साथ में दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं आने। तो फरवरी का महीना मैंने आपको बताया कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। अब मैं आपको दो चार उपाय बताना चाहता हूँ कन्या राशि के लिए, उससे पहले मैं दो शब्द आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है, आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप हर तरीके से हमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ते हैं, मेरे चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बैल पुश आइकॉन उसको ऑन करें, लाइक करें वीडियो, और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपके द्वारा आपके मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे, आप उस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। हम ऑनलाइन कुंडली विश्लेषण करते हैं, जिस किसी ने अपनी कुंडली हमें दिखानी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीन चीज आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लेते हैं थोड़ा, फ्री सेवा नहीं है, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और सारी बातें क्लियर आपके सामने ओपन बताएंगे, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उपाय बताता हूं बुध के, अगर किसी का बुध खराब है, क्योंकि मैंने कन्या राशि का आपको फरवरी महीने का ये राशिफल बताया है, अगर किसी का बुध खराब है उसको बुधवार के दिन हरा चारा दान करना चाहिए। दूसरा, बुधवार के दिन हरेक वस्त्र कपड़े, सूट हो